सत्य का निर्णय आप करें। सर्वोच्च विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा होगा? कैसे हम पता लगाएंगे कि ये विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है? जितने भी विश्वविद्यालय या स्कूल आप देखते हैं, उनमें कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जिसका जितना ऊंच लक्ष्य होगा, वो उतना ऊंच विद्यालय होगा, ठीक है। आज तक आपने देखे, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कई डॉक्टर बनाए जाते हैं, कई टीचर बनाए जाते हैं, कई इंजीनियर बनाए जाते हैं, कई वकील बनाए जाते हैं, सब अलग अलग बनाते हैं। तो सब में श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होगा, तभी वो विश्वविद्यालय सबसे श्रेष्ठ होगा ना। बाकी विश्वविद्यालयों में जितनी भी शिक्षा मिलती है वो संसारिक मिलती है। दूसरी तरफ यह है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के अंदर दो बातें हैं। एक तो प्रजा पिता ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी, वहाँ पर पढ़ने वाले कुमार और कुमारियों का ये विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा आकर पढ़ाएंगे, ब्रह्मा का काम है सृष्टि को रचना। तो ब्रह्मा आकर श्रेष्ठ सृष्टि रचेंगे कि आम सृष्टि रचेंगे? श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ सृष्टि रचने का कार्य कौन करेंगे? ब्रह्मा। विद्यालय में पढ़ाया तो सबको जाता है, परंतु पढ़ने में सब नंबर वार होते हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, मनुष्य से देवता बनना, पतित से पावन बनना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना। ये इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, जो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय का लक्ष्य नहीं है। एक यूनिक लक्ष्य है कि जहां क्या बनाया जाता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, नर्क से स्वर्ग के लायक, नर्क से स्वर्ग के लायक। इससे बड़ा विश्वविद्यालय आप खुद फैसला कर सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। ये ज्ञान त्रिमूर्ति शिव भगवानों वाच है, जो गीता ज्ञान का दाता है, परम धाम से आकर ज्ञान दे रहे हैं। विस्तार से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। और विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।